हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला आप सभी के सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों में इसका बहुत ज़्यादा खौफ है। मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर ये टॉपिक लीजिए, तो मैं बच्चों रनिंग टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो आपके IIT JEE नीट दोनों में काम आएंगे, ठीक है। जो बोर्ड के डेरिवेशन है बच्चों थोड़ा कम करा पाऊंगा, मैं डेफिनेशन नहीं ज़्यादा लिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज टाइम अपने पास कम है, तो अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं मेन टॉपिक पे। तो सेंटर ऑफ मास हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन नहीं लेंगे, मैंने डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है बट उनको समझ में आएगी, ठीक है, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सपोज करिए कोई बॉडी है, ठीक है, तो किसी बॉडी का ऐसा सिस्टम का बॉडी का किसी वस्तु का ऐसा बिंदु, ध्यान दीजिए, जहां पर उसका पूरा द्रव्यमान टोटल मास, ठीक है, कंसंट्रेटेड रहता है, केंद्रित रहता है, बच्चों उसे सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। आपको दिखाई पड़ रही होगी डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएगी, NCERT पढ़िए। ये आपको रिफ्रेशर यूज करनी है तो मैं आपको सजेशंस दूंगा, दिनेश रिफ्रेशर यूज करिए या SL अरोरा, वहां डेफिनेशंस डेरिवेशंस और बेसिक न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व करके दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये हो गई डेफिनेशन। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उसका टोटल मास कंसंट्रेटेड रहता है, पूरा द्रव्यमान केंद्रित रहता है, ठीक है। अब इसमें आप पॉइंट्स नोट करते चलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप। बॉडी यदि सिमेट्रिक है बच्चों तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के केंद्र पर होगा, बॉडी के सेंटर पर होगा, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज बॉडी के सेंटर पर हो। जैसे इस डायग्राम को देखिए, इस फिगर को देखिए, सेंटर ऑफ मास इसमें बाहर भी हो सकता है, समझिएगा, ठीक है। बॉडी एल शेप है तो सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए नोट करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और YouTube पर जितेंद्र शुक्ला टाइम्स चैनल में आपको मैं वीकली वीडियोस अपलोड करूंगा, एक एक टॉपिक के, मेन मेन टॉपिक के। बच्चों मैं NCERT के अकॉर्डिंग 1x1 वीडियोस फिलहाल अपलोड नहीं कर पाऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम है, तो मैं क्लासेस कम ले रहा हूं आजकल, ठीक है। बट फिर भी मैं बता दूं आपको, फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन हार्ड टॉपिक लूंगा, केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म बहुत जल्दी लेने वाला हूं इसी वीक, ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए, मैंने कुछ देर पहले बोला आपको मे और मे नॉट बी, ठीक है, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।